हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं विलयन चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आज इनके हम कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं, जिनके जिस तरीके के प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में 110% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या प्रश्न है, आइए बात करते हैं एक एक करके बिना देर किए हुए। एक बार सभी बच्चे मुझे जल्दी से रिप्लाई कर देंगे, क्या आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है कि नहीं? और अगर आवाज और स्क्रीन क्लियर होगी तो आपको मालूम है क्या करना बेटा, सेशन को जोरदार तरीके से शेयर करते हुए चलना है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरीके के जो वीडियो है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको वो टाइम से पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपकी वो क्लास मिस ना हो रही हो। क्योंकि अगर एक भी क्लास आप मिस करते हो बेटा, तो इसमें आपका नुकसान, क्योंकि आगे की चीजें समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो क्लास मिस नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। यहां पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कई बार बता रखा है, और पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जो कि याद रखना होता है आपको, कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है भाई। तो शुद्ध जल की मोलरता याद करनी है, तो मोलरता जो भी चीज होती है बेटा, पर लीटर में होती है। किसमें होती है? पर लीटर में। तो एक लीटर में यानी 1000 ml में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय किससे? 80। ठीक है, जल का अणुभार। तो यहां पे मोलरता आ जाएगा आपका, मोलरता बराबर 1000/18 करोगे यहां पे आप, तो 18 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 18 पचे 90 यानी 55.555 रिपीट हो रहा होगा। यानी पहला वाला ऑप्शन जो है बेटा वो यहां पर सही है। कितनी होती है शुद्ध जल की मोलरता? तो 55.555 में आपका आता है, तो 555 को क्या लिख रखा है यहां पे, 5/6 लिख रखा है। देखो सब ऑप्शन मिलते जुलते हैं, ये इससे मिल रहा है थोड़ा, ये इससे मिल रहा है, तो इस चीज को ध्यान देंगे कि मोलरता कितनी होती है। तो 1000/18 करते हैं, सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाता है 55.55। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा दे रखा है, कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल के कितने मोल होंगे, और मोल का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया बेटा, मोल का फॉर्मूला आप जानते हो सर, मोल बराबर होता है क्या, दिया गया भार बटे में अणुभार। ये आप लोग जानते हो, दिया गया भार बटे में क्या, अणुभार। भार कितना है? 180, और अणुभार जल का कितना होता है? 18। तो बिल्कुल सही जवाब कितना है कि 10 होंगे। तो 10 मोल कौन सा ऑप्शन है सर? तीसरा वाला ऑप्शन है। 10 मोल में कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन है, और तीसरे वाले ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि पहले और दूसरे का आंसर कैसे, क्यों और क्या आया है। याद भी रखना है, दोबारा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप कर दो। हो सकता है कि ये मात्रा बदल दी जाए, जल की जगह कुछ और आ जाए, लेकिन अगर मोल पूछ रहा है तो ये चीज याद रखेंगे कि मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिया गया भार बटे में अणुभार। तो जो भी भार दिया गया होगा वो बटे में उसका अणुभार भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल है, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल है जिसको 80 ग्राम बेंजीन में विलीन किया गया है, यानी मिलाया गया है। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है, तो विलयन की मोललता बताइए। विलयन की क्या बतानी है बेटा आपको? विलयन की मोललता बतानी है। ठीक है, विलयन की मोललता बतानी है, और आप सभी बच्चे जानते हो कि मोललता का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मोललता। मोललता बराबर होता है डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटे में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो मोललता निकालना है, डब्ल्यू ए दे रखा है 3×1000 बटे, डब्ल्यू बी भी दे रखा है, कितने में मिलाया जा रहा है, 80 ग्राम में मिलाया जा रहा है। तो यहां पर हो गया 80। अब मेन काम आपका है कि ये जो एसिटिक अम्ल है,
ठीक है, जो आपका एसिटिक अम्ल है उसका अणु भार आप निकाल लो। तो एसिटिक अम्ल का अणु भार कितना होगा, तो सबसे पहले आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो कितना हो जाएगा भाई, दो कार्बन है तो 12 दुनी 24 प्लस 4 प्लस 16 दुनी 32। क्लियर है, दो कार्बन का 24, तीन और एक चार हाइड्रोजन है तो चार, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो का कितना हो जाएगा 32, और जोड़ दोगे तो 32 8 40 20 60, कितना हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पे अणु भार 60 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे सर 60। अब जैसे ही आपने 60 लिखा, ये देखो सिंपल सा सॉल्व होगा, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तीन से छह कट गया दो बार में, दो से ये कट गया पांच बार में, यानी आ गया आपके पास 5/8, यानी 0.50, 8×6 = 48, 8×6 = 48, 0.6 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। देखो इसके आगे हम सॉल्व भी नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हम जो चार ऑप्शन देख रहे हैं उस चार ऑप्शन में दशमलव के बाद डायरेक्ट 6 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, किसमें, तीसरे वाले में, तो इसी पे आपको टिक कर देना है कि इसका कौन सा होगा 0.625 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा यहां पे नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल तरीका सा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर फॉर्मूला क्या होता है, तो सर फॉर्मूला ये होता है कि मोललता बराबर WA इंटू 1000 MA इंटू WB। WA क्या है, विलेय का भार, WB क्या है, विलायक का भार, और MA क्या है, अणु भार है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होते हो। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है और इसका सवाल, इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा आप लोग दोगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म है, तो आप लोगों ने अणु संख्यक गुणधर्म में चार पढ़ रखा है, उन चार में से जो भी नाम होगा उसको आपको टिक कर देना है। कौन कौन सा, तो वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान, हिमांका अनुमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सर परासरण दाब दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, सर परासरण दाब दिख रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे टिक कर लोगे। बात समझ में आ रही है, कौन सा नहीं होता, तो उसमें आपको बाकी दो में आपका दे रखा होता वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमन, हिमांका अनुमन या क्वथनांक का उन्नयन, वो भी दिया होता, किसी एक ऑप्शन में कोई और दिया होता, जैसे पृष्ठ तनाव दिया होता या प्रकाशिक गुणन दिया होता या श्यानता दिया होता, तो ये सब अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। अणु संख्यक गुणधर्म में कौन आएगा, परासरण दाब आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन और इसका जवाब आप लोग दोगे कि निम्न में से, जल्दी से बताइए, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, निम्न में से किसके जलीय विलयन का जो क्वथनांक है वो आपका बेटा सबसे अधिक होगा, जल्दी से रिप्लाई कर दो। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, जल्दी से, चल तो किसका अधिक होगा बेटा, तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो जिसमें सबसे ज्यादा आयन्स बन रहे होंगे उनका होगा सबसे अधिक। तो किसमें सबसे ज्यादा आयन बनेंगे बेटा, तो यहां पर देखो ग्लूकोज और सुक्रोज को तो आप पहले ही छोड़ दोगे, ग्लूकोज और सुक्रोज ये आयन नहीं देंगे तो इनको आपको पहले ही छोड़ देना है, बचा NaCl और CaCl2। तो आप जब बेटा NaCl को तोड़ोगे, आप जानते हो यहां पर देख लो NaCl को अगर हम तोड़ते हैं तो ये किसमें टूटता है बेटा, Na+ और Cl- में, यानी यहां पे आयनों की संख्या कितनी है, दो है, आयनों की संख्या कितनी है, दो है, और वहीं पर CaCl2 को जब आप तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, Ca2+ में और 2Cl- में, यहाँ पे I बराबर कितना आएगा आपका, तीन आ रहा होगा, I कितना आएगा, तीन, और यहाँ पे I बराबर आपका दो आता है, यानी आयन की संख्या कितनी आती है, दो आती है, तो जहां I का मान ज्यादा होगा उसी का आपका क्वथनांक
ज्यादा होगा। तो कौन सा ज्यादा होगा? 1% CaCl2 का क्वथनांक जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयनों की संख्या ज्यादा, यानी I का मान यहाँ पर अधिक आपको देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है? चल इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे, एमसीक्यूज के। देखो क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, आपको उसको और प्रैक्टिस कराते हुए चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये दे रखा है परमाणु भार दे रखा है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करने जाओगे बेटा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन आएगा आपका। और सॉल्यूशन में क्या आ रहा होगा, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलरता बराबर आपको बताया गया है सर, मोलरता बराबर क्या होता है, WA इंटू 1000, WA इंटू 1000 बटे में MA इंटू आयतन, और ये आयतन किसमें मेरे प्यारे बच्चों, ml में। आयतन किसमें लेते हैं, ml में लेते हैं, किसमें लेते हैं, ml में। ठीक है, आयतन आपका ये किसमें हो जाएगा, ml में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या दिया है वो देख लो, फिर मान रख दो। दिया है WA का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम। क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है, तो MA हम लोग निकाल लेंगे। MA बराबर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, देखो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, यानी एक Na और एक Cl है। एक Na और एक Cl का मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो 23 में 35.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, आयतन भी दे ही रखा है, आयतन भी दे रखा है कितना, 200 ml। यही मान उठा के यहाँ पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मोलरता यानी कैपिटल M बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5.85 गुणे 1000 बटे में 200 गुणे 58.5। अब 5.85 58.5 काटेंगे 10 बार में, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी M बराबर आपका कितना आ गया, 1/2, यानी 0.5 क्या मोल प्रति लीटर। M कितना आ जाएगा, 0.5 मोल प्रति लीटर। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ रहा होगा, जिसको आप बहुत ही आराम से कर ले जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिप्लाई करिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके चल। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन कि 1 विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। मोलरता और नॉर्मलता दोनों पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से आपके सामने है तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होगा। मोलरता निकालना है तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देख रखा है, कैपिटल एम बराबर क्या, WA इंटू 1000 बटे में MA इंटू आयतन, जो कि किसमें होता है, ML में होता है। तो बिल्कुल WA दे रखा है 40 गुणे 1000 बटे में आयतन दे रखा है कितना, 500। इस बार डायरेक्ट कर दे रहा हूं ना मैं, 500। अब NaOH का अणु भार यहाँ पे निकालना होगा, तब देखो यहाँ पे उसका मान नहीं देख रखा है, पिछले क्वेश्चन में दिया था तो ठीक है, यहाँ नहीं दिया तो आप निकाल लो। Na का कितना होता है सर, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और सब 1-1 है तो 23, 16, 1, और जोड़ोगे तो 23, 1, 24, 6, 30, 10, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आ गया 40, 40 से 40 कट गया, 500 से ये कट गया 2 बार में, यानी मोलरता बराबर M बराबर आ गया 2 मोल पर लीटर। मोलरता आ गया 2 मोल पर लीटर। अब मोलरता निकाल लिया, इसी में दूसरी चीज आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो ये पहला हो गया मान लेते हैं मोलरता, दूसरा पूछ रहा था नॉर्मलता। तो दूसरा नॉर्मलता बराबर आप जानते हो
कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू एन फैक्टर, आपको बताया गया है एम इंटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा m, m तो आपने निकाल रखा है कितना, दो, और n फैक्टर यहां पर कितना है बेटा, यहां पे n फैक्टर आएगा वन, यानी नॉर्मलता भी कितनी आ जाएगी, n बराबर टू, ठीक है, टू क्या eq पर लीटर, eq पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मलता। अब जितने बच्चों को ये डाउट है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, बट मैंने कई बार बता रखा है कि n फैक्टर जो होता है, n फैक्टर जो होता है, इसको आप लोग नोट में याद रख लेना, बार 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 मैं बता रहा हूं कि n फैक्टर आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, अगर आया तो गलत मत करना बेटा, गलत मत करना कि सर n फैक्टर क्या होता है, ये होता है क्या, तो n फैक्टर में याद रखेंगे क्या, इस चीज को नोट में आप लिख लो, ठीक है, इस चीज को नोट में लिख लो। यहां पर मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कई बार बताया हूं कि n फैक्टर क्या चीज होता है आपका, तो n फैक्टर बराबर जो होता है, मैंने बता रखा है n फैक्टर बराबर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेशों की, आवेशों की क्या संख्या, आवेशों की संख्या, ये बात मैंने कई बार बता रखी है, तो दिमाग में एकदम गौर से इस चीज को बैठा लीजिएगा कि n फैक्टर ऐसे ही एक नहीं लिख लेते हैं, n फैक्टर में क्या होता है, n फैक्टर में धन या ऋण आवेशों की संख्या होती है, बाकी और भी तरीकों से समझाया जाता है कि अम्लीयता के आधार पर, क्षारकता के आधार पर, लेकिन आप लोग उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला पॉइंट याद रखो कि n फैक्टर बराबर धनावेश या ऋण आवेश, धनावेश या ऋण आवेश, दोनों में से कोई एक लेना होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या था, कैसे एक आ गया, समझो NaOH है ना, NaOH को जब तोड़ेंगे तो आप जानते हो ये किस में टूटेगा, Na प्लस में और OH माइनस में, किस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव और निगेटिव आवेशों की संख्या कितनी है, तो पॉजिटिव भी एक है और निगेटिव भी एक है, दोनों में से किसी एक को ले लेना है, दोनों में से किसी एक को ले लेना है, तो किसी भी एक का मान लोगे तो n फैक्टर आपका 1 आएगा, और 1 रख के सॉल्व करोगे आपका आंसर मोलरता और नॉर्मलता दोनों ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर है, इसका स्क्रीन शॉट लो और इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, हमेशा गलत मत करिएगा, ऐसे नहीं कि अपने मन से ये हो जाता है, सब चीज का कुछ ना कुछ नियम होता है, कोई भी चीज कोई भी काम अपने मन से नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक आप सभी को चीजें क्लियर है, क्लियर है नोटा, यस सर यस सर यस सर, चलिए तो यही चीज चाहिए था, बातें यहां तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, यहां तक चीजें आपको क्लियर होनी भी चाहिए। चलिए तो आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किसी ताप पर, किसी ताप पर एक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब जो है वो कितना है, 0.416 बार है, अगर उसमें हम 0.5 ग्राम कोई अवाष्पशील विद्युत अनभिघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक में, जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है 84 ग्राम है, उसमें घोला जाता है या घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना पाया गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए कि उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, बात समझ में आ रहा है, मोलर द्रव्यमान कितना होगा वो चीज हमको यहां पे निकालना है, तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से निकालेंगे, आओ देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहली चीज आपको मालूम है कि आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, आपको क्या क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, मुझे मालूम है कि आपको फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला क्या है बेटा, यहां पे
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर क्या होता है डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन में एम ए इंटू डब्ल्यू हो जाएगा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा अब ये तो फॉर्मूला क्या क्या दिया है, तो पहले दिया है वाले पे आ जाओ। दिया है क्या दिया है डब्ल्यू ए बराबर दिया है कितना 0.5 ग्राम और डब्ल्यू बी भी दे रखा है डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 42 ग्राम एम बी भी दे रखा है कितना दे रखा है ब्रैकेट में लिख रखा है 84 ग्राम पर मोल ठीक है। एम ए जो है वो पूछ रहा है एम ए बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद और क्या दे रखा है सर पी नॉट का मान दे रखा है 0.416 और पी एस का मान भी दे रखा है कितना 0.444 ना नहीं 414 बार में यूनिट क्या दे रखी है बार। निकालना क्या है एम ए का मान निकालना है। फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल लोगे बस पुट कर दो पी नॉट की जगह रखोगे कितना 0.416 माइनस 0.414 बटे में 0.416 बराबर डब्ल्यू ए कितना है 0.5 गुणे एम बी कितना है भाई 84 बटे में एम ए तो निकालना ही है और यहाँ पे कितना है डब्ल्यू बी 42 तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है 42 दुनी 84 और मल्टीप्लाई हो गया यानी ये हो गया 0.416 माइनस अच्छा ये भी माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 0.002 बटे में 0.416 बराबर 1/ एम ए तो एम ए बराबर देखो तीन प्लेस का दशमलव यहाँ भी है तीन प्लेस का दशमलव यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देना 416/2 और 416 में 2 से भाग के दोगे तो 208 ग्राम प्रति मोल 208 ग्राम पर मोल ये आपका आंसर आ जाएगा। अड़ुवार कितना आ जाएगा 208 ग्राम पर मोल। एक बार स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेकर रिप्लाई करिए क्या यहां तक बात क्लियर है। जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा जल्दी से बिना सोचे जल्दी से जवाब दे दो क्या यहां तक बात क्लियर है हाँ या ना। ठीक है बिल्कुल सिंपल है कुछ नहीं करना है। तो अभी तक मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को बेटा लाइक और शेयर नहीं कर रखा है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है जो भी देख रहा है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जितने नए बच्चे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ठीक है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। ठीक है आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है दो द्रव है ए और बी जिनका वाष्पदाब क्रमशः है 80 और 60 और कह रहा है कि ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल को मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्पदाब क्या होगा तो बहुत ही सिंपल होगा भाई पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला आप जानते हो बेटा कुल वाष्पदाब यानी पीटी बराबर क्या होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई पी ये फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले पे हमको लगाना है। दिया है क्या क्या दिया है भाई दिया है जो जो दिया है वो लिख लो तो क्या क्या दे रखा है सर पी नॉट ए दे रखा है पी नॉट बी दे रखा है कितना 80 mm और 60 mm 80 mm Hg 60 mm Hg
अच्छा एच जी नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे एच जी में होता है। तो 80 mm, 60 mm, और क्या दे रखा है, ए का मोल, ए का मोल दिया है 3, और बी का मोल दिया है बेटा, बी का मोल दिया है 2। यहां पे एक काई ए और काई बी निकालना होगा, तो यहां पहले निकाल लो फिर डायरेक्ट रख लेंगे। अतः काई ए बराबर एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, काई ए बराबर एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, और काई बी बराबर एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। दोनों का मान दे रखा है, ए का मान 3 है, तो 3/5, और 3/5 का मतलब 0.6, और 2/5 यानी 0.4। तो आपको काई ए और काई बी मिल गया। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, पीटी बराबर, या तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है आपके सामने, पी नॉट ए काई ए, तो पी नॉट कितना है बेटा 80 गुणे काई ए, कितना निकाल लिया 0.6 प्लस पी नॉट बी कितना है 60 इंटू काई बी कितना है 0.4, मल्टीप्लाई कर दो 8×6=48, यानी 48 प्लस 6×4=24, 24 और 48 कितना हो गया 8×6=12, 72, यानी कुल वाष्प दाब पीटी बराबर कितना आ जाएगा 72 mm ऑफ एचजी, mm ऑफ एचजी, या केवल और केवल लिखना चाहो तो केवल और केवल 72 mm भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, केवल और केवल 72 mm लिख सकते हो, जैसा क्वेश्चन में था, ठीक है 72 mm। तो ये आपका हो जाएगा 72 mm। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से रिप्लाई करो, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में क्या, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए जो है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंस में पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना कि परासरण और विसरण क्रिया में क्या अंतर होता है, परासरण और विसरण की क्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका परासरण की क्रिया, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको क्लियर कर लेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा विसरण हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा विसरण हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ठीक है यहां पे आपका विसरण, ठीक है वो परासरण और ये विसरण। तो परासरण और विसरण की क्रिया में क्या अंतर है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल और सबसे सरल अंतर तो आप ये बता दोगे कि परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली के परासरण की क्रिया नहीं होगी, और यहां पर अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका बेटा, परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, मतलब केवल एक दिशा में गति करते हैं, जबकि विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें बाउंडेशन होता है। थर्ड पॉइंट है, परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, कम से अधिक की तरफ जाते हैं, विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। इसमें विलायक का कण कम से ज्यादा की तरफ जाता है, इसमें विलेय का कण अधिक से कम की तरफ जाता है, ठीक है।
और चौथा पॉइंट, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में हो सकती है। परासरण क्रिया किस अवस्था में होती है? केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण की क्रिया जो है बेटा वो ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई भी अवस्था होगी, तीनों अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। तो परासरण केवल द्रव अवस्था में, विसरण ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में हो रहा होगा। क्लियर है? दो से तीन नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दे सकते हो। बाकी अगर आप भी चाहते हो बेटा इन बच्चों की तरह टॉप करना, जो कि आप देख रहे हो ये 289 किसका बेटा, शुभम वर्मा, जो कि पूरे यूपी के टॉपर हैं, और ऐसे ही और भी कई बच्चे हैं, 489 483 482 482, यहाँ पे आपका 489 नंबर है आपका 500 में से, यहाँ पे ये तो बच्चे हैं बेटा जो कि आपके टॉप 10 की लिस्ट में है। तो अगर आप भी इन टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहते हो तो आपको अपने मेहनत के साथ साथ आपको एक छोटा सा और काम कर लेना है, आपको ज्वाइन कर लेना है टॉप 100 बैच शुभम क्लासेस का। इसलिए कर लेना है क्योंकि यहां पर आपको वो गाइडलाइन मिलती है जहां से आप मात्र 1799 के पेमेंट में अभी से लेके एग्जाम तक की पूरी तैयारी करोगे, और उसमें आपको लाइव क्लास, टॉपर नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वन शॉट रिविजन, ठीक है, PYQ होगा, डाउट क्लास होगा, स्पेशल ट्रिक होगा, ए टू जेड पूरी तैयारी, और सबसे स्पेशल आपका क्या है कि हर संडे जो है आपका एक टेस्ट हो रहा होगा, और उस टेस्ट में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना क्या कैसे तैयार कर रखा है और कहां पे भी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो जुड़ना कैसे है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, वो भी कौन सा, जहां पर 1,00,000 से ज्यादा बच्चों ने जिसको डाउनलोड कर रखा है, और मात्र पेमेंट करके इस नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे बेटा तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए और यहां से पेमेंट करके आप बैच से जुड़ सकते हैं। और कैसे जुड़ना है, तो इस ऑफिशियल नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मात्र 15 मिनट के अंदर जो है आपको बैच से बेटा जोड़ दिया जा रहा होगा, ठीक है। और अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो इससे जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो आप एक बार जरूर कमेंट करके बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगली क्लास में उस डाउट को मैं क्लियर करूं और उसके आगे की चीजें आपको बताई जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।